आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास चीज़ बताने वाला हूँ। बट बाय द वे, दिस बैकग्राउंड आफ्टर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक। आई एम हेडिंग टू मेहुल्स प्लेस राइट नाउ, टेकिंग एन रिक्शा। एंड आजकल मैंने देखा है ऊबर रिक्शा, ऊबर ऑटो जो होता है बहुत जल्दी आ जाता है। सो मैंने बस वही मंगाया अपने ऐप से। इट्स मच बेटर देन टेकिंग द रेगुलर ऊबर कैब्स। वो आते आते ऐसा लगता है कि शायद मैं कल ही पहुँचूंगा, बट माई ऊबर ऑटो इज़ हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग डाउन। एंड चलते चलते आई टेल यू वॉट वी आर डूइंग विद मेहुल टुडे, एंड देन वॉट इज़ द सो स्पेशल न्यूज दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल। सो लेट्स गो। By the way, did you know we had this dog? She was a female Spitz for almost 14 years of my childhood. Look how cute she is. I can't tell you how much I've missed the ease of sitting in the rickshaw and going anywhere, at least in the Mumbai suburbs. I know town वाले नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मुंबई सबोज में ये जो चीज़ आप कर सकते हो, इट्स लाइक ड्रीम। मुंबई को फिलहाल G20 के लिए जो पेंट कर दिया है हर जगह, वेरी वाइब्रेंट एंड लुक्स वेरी डिफरेंट। It's not the Mumbai I'm used to knowing, you know. And also, but I definitely love the new boards that they have put up. I don't know वो बस G20 के लिए नए नए लगाए हैं या फिर काफ़ी पहले टाइम से है, but they actually look very nice. Direction boards, fuel stop boards and all of those indicator boards, बहुत अच्छा लगता है। Thank you. And we are at Mehul's place. आई हैव नोटिस वन थिंग, मुझे न्यू जर्सी में रह के क्रॉस करने की ऐसी आदत हो गई थी कि जब भी क्रॉस करो तो सामने से आने वाला गाड़ी रुक जाता है। यहाँ पे कोई नहीं रुकता। इन मुंबई नो वन गिव्स अ शिट इफ़ यू आर अ पेडेस्ट्रियन। सबको अपनी करनी होती है। येस आई नो आई यूज़ टू डू दैट टू मी फ्यू ईयर्स अगो, बट बस वही चीज़ की आदत नहीं रही। एंड वी आर इन मेहुल्स स्वीट गैराज एंड आई विल शो यू समथिंग। A little something is going to happen. वो आपको मेहुल ही बताएगा शायद। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। और ये आ रहे हैं हमारे बादल साहब। नाम रख दिया मेरा बादल। वैसे अगर आपको पता नहीं तो एक्चुअली एक हफ्ते से मैंने मेहुल का नाम रखा है बादल, बिकॉज ये मेरे सिर पर मंडराता रहता है। तो मैंने उसे एक बार कह दिया कि क्यों काले बादल जैसे मंडरा रहे बरसेगा। यूएस में बहुत ओपन स्काई हो रहा था ना, यहाँ पे मंडराना पड़ेगा तेरे। बट आपको अगर पता है तो मेहुल के नाम का मतलब इज अ रेन क्लाउड, तो इसलिए बात है। और इसके लिए मैं बरसते रहता हूँ सब। और क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है इसको भेजना है। जा रही है ये मेरे को छोड़ के। शर्म नहीं आता है इसको। कहाँ जा रही है? तो जा रही है कहीं, देख लेना अभी तुम। ये कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और ये कहाँ दिखेगी फिर आपको, वो आपको मेहुल के ब्लॉग में पता चलेगा। बट खैर, फॉर नाउ आई एम गोइंग टू बी ड्राइविंग मेहुल्स मर्सिडीज। मर्सिडीज यहाँ पर इंडिया में क्या बोलते हैं? मर्सिडीज वहाँ पे सब यूएस में सब मर्सिडीज बोलते हैं। मर्सिडीज नहीं बोलते, मर्सिडीज बोलते। मैं कभी मर्क बोलता हूँ, बेंज बोलता हूँ, उसका नाम स्टार है तो कभी स्टार बोलता हूँ। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी मैन। से सम हो जाती है पूरी? क्या लगता है? वैसे मुझे डाउट तो नहीं है बिल्कुल, कंसीडरिंग दैट यू हैव डन जांस्कर एंड उमलिंगला एंड ऑल ऑफ दोस। देखो क्या बात। अच्छा ये सब ठीक है, पता लोनावला का रास्ता याद रहता है उसके लिए मैं लगता हूँ। Just sound brings back so many memories. It's going to be my ride for the day. I've driven her in the city and जो मज़ा आता है नई गाड़ी चलाने में, मतलब for me driving any automatic which is powerful in Mumbai is a peaceful affair. मैं एक्चुअली मेहुल को बोल रहा था कि ये गाड़ी चलाने में ट्रैफिक में बहुत आसान है। वैसे मतलब मुंबई में जो यूजुअली आपको ट्रैफिक का स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस यहाँ पे काफी कम है। A few moments later. चलना, अबे निकलना निकल। अरे कहाँ घुस रहा है? अरे चलना मेरे भाई, ग्रीन हो गया। एंड वी आर हियर इन ठाकुर विलेज विद अनदर डियरेस्ट फ्रेंड अथर्व।
अथर्व को शायद आपने नहीं मेरे व्लॉग में देखा है, अथर्व की फॉर्च्यूनर में ही तो गए थे हम एयरपोर्ट। एक्चुअली अथर्व की फॉर्च्यूनर में साइली आई थी बिकॉज सामान उसके यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था एंड मैं ज़्यादा पीछे का दिख नहीं रहा था। मेरा और शैली का सामान अकेले गया था, मैं मेहुल के बलेनो में आया था बिकॉज जैसे मेहुल मुझे एक बार वो जैसे हम पुराने तरीके से चलाते थे वैसे चला नहीं है। सो बिकॉज मेहुल जिस ट्रक में अपनी गाड़ी डालने अपनी बाइक डालने वाला है वो ट्रक पनवेल में कहीं पे तो अटका है, पवई में अटका है, पनवेल से आ गया है व्हाटएवर। सो पवई में अटका उसको काफ़ी टाइम लगने वाला है, मुम्बरा से। तो एनीवेज हम लोग आए हैं प्रॉपर उड़पी रेस्टोरेंट में पाव भाजी खाने के लिए बिकॉज आई वॉज मिसिंग दैट। मैंने बोला कि मैकडी में वगैरह में जाने से जाके खाने से अच्छा कि इट्स बेटर वी हैव सम नाइस फूड। ओके सो नाउ फाइनली द थिंग जिसके लिए मैंने एक्चुअली ये व्लॉग शुरू किया था, द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल अबाउट इज दैट माई फोटोज हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर अ शो इन न्यूयॉर्क सिटी। जो मैंने कुछ 2019 में मैंने अपने डैड के साथ लद्दाख में जाके मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे, तो दोज फोटोज़ आई एडिटेड दैम प्रॉपरली, आई क्यूरेटेड दैम, ब्लैक एंड वाइट किए मैंने उनको, एंड देन देयर वाज अ शो बाय द ब्लैक एंड वाइट गैलरी, इट इज़ इन वन आर्ट स्पेस इन ट्राइबेका इन मैनहट्टन, और वहाँ पे इट इज़ हैपनिंग टुमारो एज यू प्रॉब्ली सी दिस व्लॉग मोस्टली मे 17th एंड 18th एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज अ बिग थिंग हैविंग योर फोटोज़ शोन इन आर्ट गैलरी इन न्यूयॉर्क सिटी। सो थैंक यू, ट्रीट आशीष देगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जीपे आखिर में जाके लद्दाख अपना मुंबई का वादी ही काम आया ना तेरे, उन्हें बहुत पसंद आया, उन्हें स्पेशली दे लव द शांति स्तूपा फोटो विच आई टुक। सो नेक्स्ट व्लॉग में मोस्ट प्रॉब्ली एज सून एज आई गेट द फोटोज फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क आई एम गोना सेंड इट टू यू, आई प्रॉब्ली अपलोड इट ऑन माई इंस्टाग्राम और आई विल मेक अनदर सेपरेट व्लॉग अबाउट इट। But yeah, for now we are going to enjoy some pani puri nahi, pav bhaji some pav bhaji at Konark in Thakur Village and Mumbai ka fresh pav bhaji। Pav bhaji ab duniya mein kahin bhi khalo, Mumbai ke Udupi restaurant ki jo pav bhaji hoti hai wo aapko bhi match karta hai। Ana aur kuch nahi, to masala papad jo mujhe wahan pe bilkul nahi milta hai, वहाँ पे रेगुलर देखो पाव भाजी मिल जाएगा बट मसाला पापड़ नहीं मिलेगा। और दिस इज़ वन थिंग जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था, दिस इज़ वन थिंग यू डोंट गेट इन द रेस्टोरेंट्स ओवर देयर, ऐसा हाथ डाल के गर्मा गर्म पानी में हाथ धोने का मज़ा US में नहीं है। ऑलराइट सो लंच डन एंड इट्स टाइम टू हेड बैक टू द प्लेस जहाँ पे लोग ने बाइक रखी है। जो मज़ा आता है ना फूड पे रेस्टोरेंट में खाना खा के वो मैकडी में नहीं है। सही बात, मुझे बोलता अमेरिकन क्या है, तू ये अमेरिकन है? नहीं हूँ मैं देसी हूँ, इसलिए तो उड़पी रेस्टोरेंट लेके गया अभी चल। और कुछ इस तरह मेहुल की और अथर्व की बाइक्स चढ़ गई है एंड जो काम के लिए हम लोग आए थे वो पूरा हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट जॉइनिंग देम ऑन द राइड इवन दो आई विश, मेरा एक्चुअली एकदम लास्ट मोमेंट प्लान बना बट नेक्स्ट टाइम सीट अभी है पीछे नहीं, बट अभी थोड़ा सा काम है तो वो ख़त्म करके फिर वापस भी जाना है। एंड फाइनली आफ्टर 3 hours मेहुल की बाइक इज़ फाइनली इनसाइड द ट्रक गोइंग टू चंडीगढ़। यस बस चंडीगढ़ और कुछ नहीं, हाँ बस आगे का मेहुल खुद बता देगा, मैं बताऊंगा, मेरे ब्लॉग भी देख लो कोई कोई। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉयड द बिग रिवील दैट आई डिड फॉर मी एज अ फोटोग्राफर। कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस मोमेंट, थैंक यू। फॉर मी एज अ फोटोग्राफर इट्स अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली आई शो इट यू लेटर ऑन, दे आर गोइंग टू बी लाइक 30 inches और 40 inches के प्रिंट्स एंड स्पेशली बिकॉज दे आर फोटोज ऑफ लद्दाख विच इज़ अ प्लेस सो क्लोज टू माई हार्ट दैट मेक्स इट रियली रियली स्पेशल। एनीवेज आई विल सी इन द नेक्स्ट वन बिकॉज ये जो स्पेशल रिव्यू है यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, समथिंग इवन बिगर कमिंग हैपनिंग वेरी सून प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीक, और उसके पहले अपन नॉर्मल व्लॉग्स करते रहेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब यू हैवंट ऑलरेडी, फॉलो मेहुल ऑन KMehul16 इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मेहुल कुमार एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट बाय।